की कोशिश करो प्यारे बच्चों। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखो। कहता है टू सिटी आर कनेक्टेड बाय द, एक रूट से दो सिटी को हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। देर आर टू सिटी, मान लो ये अपना हम लोग का न्यू दिल्ली है, ये न्यू दिल्ली है, मान लो ये न्यू दिल्ली है पॉइंट ए सिटी, और पॉइंट बी अपना जी के पी है, गोरखपुर है मान लो। तो दो सिटी हैं ए एंड बी, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, एक पावर सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। वैसे तो गोरखपुर और न्यू दिल्ली के बीच 150 किलोमीटर का डिफरेंस नहीं है, बट चलो मान लो भाई, कैसे मान लो, ऐसा तो नहीं है, बट लेट्स सपोज 800 किलोमीटर के आसपास है। तो ये दो पॉइंट है ए एंड बी, और वो 150 किलोमीटर है। इलेक्ट्रिक पावर सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अदर कॉपर वायर, यहाँ से हमने करंट भेज रहे हैं, पावर भेज रहे हैं, यहाँ से करंट भेज रहे हैं, ठीक है, करंट भेज रहे हैं सिटी ए से सिटी बी। और पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, मतलब जो ए और पॉइंट ए है और पॉइंट बी है प्यारे बच्चों, इसका पोटेंशियल पॉइंट ए और बी पर यूनिट लेंथ, अगर इसकी लेंथ एल है जो कि पहले से ही मेंशन है 150, तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ 8 वोल्ट है, ठीक है। और एवरेज रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द ए बी पर यूनिट लेंथ इज ऑल्सो गिवेन 0.5। ये तो कहता है पावर लॉस निकालो। तो पावर लॉस कैसे निकालेंगे यार, पावर लॉस निकालने का सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है, ऐसे केस में जहां वोल्टेज दिया हुआ है, तो पावर अगर लॉस निकालो तो वी स्क्वायर ओवर आर पावर लॉस होता है। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट पावर लॉस, वी स्क्वायर आर। तो अगर मैं मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकाल लूँ और टोटल वोल्टेज निकाल लूँ इस सप्लाई का, तो इसमें ले जाकर रख दूंगा तो पावर लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो टोटल वोल्टेज ए बी का आ जाएगा, टोटल वोल्टेज ए बी वो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ एल, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 150, ठीक है। तो 120, 15/120 इतना बोल्ट पोटेंशियल ऑफ, इतना बोल्ट बच्चों पोटेंशियल आ जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस वायर सप्लाई, ठीक है, वायर ए बी का इसके क्रॉस पोटेंशियल इतना आ जाएगा, ठीक है। चलो, रेजिस्टेंस ए बी का आ जाएगा, रेजिस्टेंस ए बी वो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एल, तो लेंथ एल की वैल्यू कितनी है 0.5 और लेंथ एल की वैल्यू है 150, तो ये आ जाएगा 75 और ये 0.0, मतलब 750 ओम इसका आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब जब रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है इस वायर का, तो इसमें पावर लॉस निकाल सकते हैं। तो पावर लॉस पी की जो वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर, मतलब 1200 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई उधर 750। तो फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेना, और फाइनली इसको कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है, 120 ये आ जाएगा, 192 ये आ जाएगा, 19200 वाट आ जाएगा, ठीक है, या 19.2 किलो वाट भी इसको मैं लिख सकता हूँ। तो 19.2 किलो वाट, दैट इज बी ऑप्शन सही है।